हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था न्यूमेरिक डेटा के बारे में कि न्यूमेरिक डेटा क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे न्यूमेरिक डेटा के टाइप्स। तो हमने बताया था न्यूमेरिक डेटा टू टाइप्स के होते हैं, इंटीजर और नॉन इंटीजर, यानी पूर्णांक और अपूर्णांक। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूर्णांक डेटा के बारे में, यानी कि इंटीजर डेटा क्या होता है। आइए जानते हैं इंटीजर डेटा के बारे में। पूर्णांक डेटा, पूर्णांक डेटा ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जो पूर्ण होती हैं, यानी कि कंप्लीट होती हैं, अर्थात जिसमें दशमलव बिंदु यानी कि डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7, माइनस 5, प्लस 42, 100, 124, 987, 76। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, पूर्णांक डेटा यानी कि इंटीजर डेटा हो गया। ये सभी पूर्णांक डेटा है और नंबर 7.0 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसके आगे क्या है, इसमें जो है दशमलव का प्रयोग किया गया है। हमने बोला था पूर्णांक डाटा वो होता है जो कंप्लीट हो, जैसे 7 हो गया। डिजिट के आगे हम प्लस माइनस लगा देंगे वो चलेगा, लेकिन पॉइंट या फिर डिवाइड में वो नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा पूर्णांक डेटा के बारे में कि जो कंप्लीट डिजिट होते हैं जिनमें पॉइंट या फिर डिवाइड का यूज़ नहीं किया जाता है, पॉइंट सिंबल डेसिमल पॉइंट का या फिर डिवाइडेड का सिंबल यूज़ नहीं किया जाता है, ऐसे डाटा को हम पूर्णांक डाटा कहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, यूज़फुल और नॉलेजेबल लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।